प्रदेश टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव का रंग दिखने लगा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह रजवी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सीमा पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर रजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ उनके लिए नया क्षेत्र नहीं है, वह करीब 15 साल पहले क्षेत्र से चित्तौड़गढ़ विधायक रह चुके हैं। वहीं उन्होंने चंद्रभान सिंह आख्या के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि बैठक कर बातचीत की जाएगी और उन्हें आशा है कि वह चंद्रभान सिंह को मना लेंगे। मेरे हृदय में बसता है, इन्हें की ड्यूटी का सब अंदर है, पूरी कमी नहीं रही है, संपर्क में रहा हूँ और वादे यहाँ पे 70 साल में क्या किया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बताऊंगा। तो काम किए, काम सेवा करने के नियत से आया हूँ और सेवा करके जाऊँगा। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, सब सही हो जाएगा। आपने बात करी? नहीं करी अभी तक, बात करेंगे, कोई दिक्कत फिर भी सेंटर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे पार्टी के आधार पर काम चल रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।